रांची के एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक की 26 मई की रात हत्या कर दी गई। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद आरोपी अभिषेक बिहार के गया से गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि चुटिया थाना क्षेत्र के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार उस रात ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक ने गोली चलाई। अब इस मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जो वारदात वाली रात यानी 26 मई का है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक और उसके दोस्त शराब पीने बार पहुंचे थे, तभी किसी बात को लेकर बार कर्मचारियों से उसका झगड़ा हो गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उस वक्त रात के 11:22 हो रहे थे। झगड़ा बढ़ा और बार मालिक, बाउंसर और स्टाफ सब ने मिलकर अभिषेक और उसके दोस्तों की पिटाई कर दी। अभी तक जो है निष्कर्षता कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बाउंसरों के साथ मारपीट के कारण जो अभिषेक और उसके मित्रगण थे वो आक्रोशित थे काफ़ी, और उन्हें लगा कि हमारे साथ बाउंसरों ने काफ़ी मारपीट की है और इससे आक्रोशित होकर नशे की हालत में संभवतः उसने ये घटना की है। लेकिन अभी पूरा निष्कर्ष अभी कुछ भी देना उचित नहीं है। विवाद की वजह को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है अभिषेक और उसके दोस्त बार में मौजूद महिला स्टाफ से छेड़खानी कर रहे थे, जब उन्हें मना किया गया तो वो मारपीट करने लगे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि झगड़ा गाना बजाने को लेकर हुआ था। घटना जो है 10:30 से 11 के बीच घटना जो घटी है वो घटना है जिसमें बाउंसरों और इन लोगों के बीच में लड़कों के बीच मारपीट हुई है, और उसके बाद घटना जो घटी रात 1:20 के आसपास घटी। जो बार वाले उनका कहना है कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और डांस फ्लोर पर कुछ जो है असली हरकत कर रहे थे, लेकिन जो है इन लोग का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, इन लोग जो है बाउंसर ने जबरदस्ती हमें मारा पीटा है और जो जो लड़के हैं उनके पर इंजुरी भी है, जिनके बाउंसर से मारपीट हुई इंजुरी भी है, तो ये बात भी छानबीन का बिंदु है कि बाउंसरों ने किस परिस्थिति में उन लोगों के साथ मारपीट किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अभिषेक और उसके दोस्तों के साथ मारपीट हो रही है। बार के बाउंसर और वहां काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक और उसके दोस्तों की पिटाई कर रहे हैं। तस्वीर में संदीप प्रमाणिक भी नजर आ रहा है। उसने किसी के साथ मारपीट नहीं की, हालांकि उसने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके साथी कर्मचारियों ने अभिषेक को जमकर पीटा और बार से निकाल दिया। पिटाई के बाद अभिषेक वहां से चला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद वो फिर लौटता है। इस वक्त उसके हाथ में राइफल जैसा कोई हथियार है जिसमें बाइनोकुलर भी लगी है। इस वक्त रात के 1:19 हो रहे थे। बार बंद हो गया था तो कर्मचारी अपने अपने घर निकल रहे थे। संदीप प्रमाणिक भी घर निकलने की तैयारी में था, तभी सामने से अभिषेक आता हुआ दिखता है। संदीप को देखते ही अभिषेक उसके सीने में गोली मार देता है। इसके बाद वो बाहर भी कई राउंड फायरिंग करता है। रांची पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके 3 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रांची पुलिस इस बात की भी छानबीन करेगी कि आरोपी के साथ मारपीट किस वजह से की गई। SSP ने जल्द ही इस पूरी वारदात का खुलासा करने का दावा भी किया है। नहीं, उसमें जो है जिसमें घटना घटी है पूरा सड़क जो है वो सुनसान है, और फायरिंग की जब आवाज आती है तो जो पुलिस की गश्ती गाड़ी है, यूजुअली जब आप फायरिंग की आवाज सुनते हैं तो उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में आपको समय लगता है। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस वापस लौटती है, तब ये भागने लगता है, पुलिस पीछा करती है, लेकिन वो तेजी से निकल जाता है। एक्चुअली पुलिस की गश्ती गाड़ी से जो है पुलिस के जवान उतर के आते हैं उसे पकड़ने के लिए, जब भागता है तो वापस जिप्सी में आने में इन्हें टाइम लगता है और इस बीच का वो फायदा उठाकर वो भाग जाता है, और इस तेजी से वो भागा है कि बाद में उसने एक्सीडेंट भी किया। उसकी गाड़ी जो हम लोग को बरामद हुई है वो एक्सीडेंट की गाड़ी है, इतनी से वो काफ़ी तेजी से भागा था।